हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी क्रीमी मैंगो कुल्फ़ी। ये कुल्फ़ी घर पे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप इसको आराम से बना के और एंजॉय कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरी देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 700 ml फुल क्रीम दूध को अच्छे से पका रही हूँ। पकाने से ये गाढ़ा हो जाएगा और हमारी जो कुल्फ़ी है वो बहुत ही क्रीमी बनेगी। तो ये हमने दूध को अच्छे से पका लिया है और ये 700 ml दूध से अब 400 ml बच गया है। 400 ml ये दूध है हमारा। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी कटोरी चीनी, एक कटोरी आम है, इनको काट लिया है पीसेस में, और यहाँ पे मेरे पास 2 चम्मच काजू हैं जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। ये आम को अब मैं पीसूंगी पहले, उसके बाद उसमें डालूंगी। पीस लिया है, एकदम पेस्ट बन गया है और इसको अब मैं दूध में मिलाऊंगी। चीनी मैंने इसे मिक्स कर दी है, उसको भी अच्छे से मिला लिया है। आम इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। ये हमारा मिक्स हो गया है अच्छे से, और कितना गाढ़ा हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी ये जो काजू छोटे छोटे काटे थे, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। आप चाहे तो इसमें और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ये सब कुछ इसमें हो चुका है और हमारी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। अब इसको बस फ्रीज करना रह गया है और आप इसको किसी कंटेनर में डाल के और उसको अच्छे से ढक दें ताकि उसमें बर्फ ना जमे, और फिर बस उसको फ्रीज कर दें फ्रीजर में। तो अब बस मैं इसको ढक के और रख रही हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।